ईशान इसमें बैठे हुए हैं। ओम शिवा। अरे ये हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो पीछे देखिए मेरे काइट उड़ा रहे हैं ईशान, क्योंकि इन्होंने मकर संक्रांति की पूरी तैयारी कर ली है और मुझसे पूछ रहे हैं कौन सा त्यौहार है, क्या है। तो मैं उनको बताती हूँ बच्चों को कि हमारे भारत की संस्कृति और सभ्यता ये है, कैसे होती है, क्या क्या होता है, मैं फेस्टिवल को अमेरिका में रहकर कैसे हम करते हैं, सारे रिचुअल्स फॉलो करते हैं। तो ये देखिए इस व्लॉग में। और हम जा रहे हैं अभी मार्केटिंग करने, क्योंकि मकर संक्रांति की तैयारी करनी है और इसमें गणेश चौथ का भी वीडियो है। देखिए आप लोग और इस व्लॉग में बने रहिए। तो आज हम लोग आए हैं बाहर शॉपिंग करने। क्या लेने आए हैं हम लोग? हम लोग लेने आए हैं मकर संक्रांति के लिए सामान, मार्केटिंग करने आए। तो ईशान और ईशान की 4 डेज की छुट्टी हो गई है, बट मकर संक्रांति की नहीं हुई है, क्योंकि अमेरिका में मार्टिन लूथर की जयंती है। तो इसके लिए सैटरडे, संडे, मंडे और फ्राइडे से 4 डेज की छुट्टी है। बहुत एक्साइटेड है। और जब मैंने बताया कि हमारे इंडिया में मकर संक्रांति पे छुट्टी होती है, तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए ईशान, राइट? तो हमारा सेलिब्रेशन कैसा होता मकर संक्रांति का, आप लोग जरूर देखना। और ईशान कैसे अपने इंडिया की संस्कृति को फॉलो कर रहा है, ये आप इस वीडियो में देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर लिया है बटर और डिस्पोजल ग्लास एंड डेट्स, फ्रूट्स। और ईशान इसमें बैठे हुए हैं क्योंकि पूरी ट्रॉली भर गई है और बहुत टायर्ड हो गया है, तो ईशान को ऐसे ही ट्रॉली में बैठा के हम लोग ले जा रहे हैं। तो कॉस्को से सामान लेने के बाद हम जा रहे हैं इंडियन स्टोर। अमेरिका में इंडिया का सामान इंडियन स्टोर में मिलता है। तो यहाँ पर हमने ग्लास लिए हैं, ये है मकर संक्रांति की दान के लिए जो हम मंदिर में करते हैं उसके लिए कुछ सामान है, और सकर चौथ की पूजा का भी सामान है। तो यहाँ ग्लास लिया है, स्टील के ग्लास हैं दो, 2.49 का एक ग्लास है, 2 ग्लास लिए हैं। चिक्की है, योगर्ट है, पीनट है और साथ में राइस पल्स है। तो यहाँ पर बहुत सा सामान आपको दिखा रही हूँ, कुछ गाड़ी की डिक्की में भरा हुआ है। तो ऐसे हम तैयारी कर रहे हैं मकर संक्रांति की। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गणेश चौथ की पूजा का वीडियो, तो आप देखिए हमारे साथ ये वाला ब्लॉग। तो दोस्तों मैं रेडी हो चुकी हूँ। देखिए सभ्यता संस्कृति की बात आए तो साड़ी पहन ली है क्योंकि आज पूजा है, और अमेरिका में रह के कैसे हम अपनी संस्कृति को फॉलो करते हैं, कैसे रिचुअल करते हैं, उसके साथ साथ अपने बच्चों में भी हम वही संस्कार डाल रहे हैं क्योंकि हम एक भारतीय माँ हैं। तो घुटने कैसे टेक सकते हैं, चलिए आइए पूरा ब्लॉग देखिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। दोस्तों मॉर्निंग से आज फास्ट है क्योंकि सकर चौथ की पूजा है, और ये पूजा बेटों के लिए रखी जाती है। और अब यहाँ हो रही है आफ्टरनून। तो यहाँ मैं तैयारी कैसे कर रही हूँ सकर चौथ की पूजा के लिए, देखिए हमारे नॉर्थ इंडिया में क्या बनता है पूजा के दिन। तो हम बना रहे हैं तिल के लड्डू, जो कि सकर चौथ की पूजा में भी काम आते हैं और मकर संक्रांति में भी। तो इसमें पानी नहीं पीते हैं, पूजा करने के बाद ही इसमें पानी पिया जाता है। तो यहाँ मेरे लड्डू बन चुके हैं, देखिए तिल के लड्डू बने हैं, और यहाँ गुड़ और तिल की ही चीज़ें खाई जाती हैं। तो ये तो हो गया हमारे किचन में तिल के लड्डू का काम। अब आगे चलते हैं और देखिए हमने यहाँ पर पूड़ियाँ भी बनानी हैं, तो यहाँ पूड़ियाँ बन रही हैं क्योंकि ये सब पूजा में गणेश जी को भोग लगता है, और साथ में बनेंगे इसमें मीठे पुए। तो यही हमारी संस्कृति और सभ्यता है जो कि हम निभाते हैं, और देखिए यहाँ पर हम कैसे कर रहे हैं। चलिए आगे इसी व्लॉग में बने रहिएगा। भोग बनने के बाद चलते हैं मंदिर की तरफ और वहाँ पूजा स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर गणेश चौथ की पूजा के लिए चौकी सजाएंगे। यहाँ सामान है, तिल के लड्डू वगैरह हैं, लैया के राजगीरा के लड्डू हैं और शकरकंदी है, यहाँ बर्तन सारा। चलिए चौकी सजा लेते हैं, और फल वगैरह भी हैं, तो बच्चे भी हमारे साथ कॉन्टिन्यू लगे हुए हैं। ये पुए वगैरह है जो बनाए थे रख लिए हैं पास में। चलिए चौकी को सजाते हैं, और देखिए हमारे यहाँ से पूजा होती है। भारत की जो सभ्यता है हम आपको अमेरिका में दिखाएंगे, और बच्चे बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं क्योंकि उनको जानना है कि अम्मा आपने साड़ी क्यों पहनी है। तो मैंने बताया कि भारतीय नारी की पहचान है साड़ी, और हमारे इंडिया नारी को पूजा में साड़ी जरूर पहननी होती है, मतलब एक बहुत अच्छी बात है, अच्छा भी लगता है साड़ी पहनना। तो ये हमारे भारत की सभ्यता की पहचान है। तो चलिए शुरू करते हैं गणेश चौथ की पूजा में, सकट की पूजा।
यहाँ पर लैपटॉप की टेबल पे मैं ड्राइंग बना रही हूँ। मीन्स पूजा की तैयारी यहाँ पर पूरी शुरू हो चुकी है और चार माताएं बनती हैं सकर चौथ की पूजा में। जो जानते होंगे जरूर बताएं कमेंट करके। नॉर्थ इंडिया में ऐसे ही होती है, दो सुपारी रखी जाती हैं बेटों के नाम पर जब वो बॉर्न होते हैं, देन वो पूरी लाइफ ये सुपारी चलती है। तो यहाँ दिया बत्ती हो रही है, साथ में सारा भोग चढ़ा दिया गया है, लड्डू वगैरह पूड़ी शकरकंदी जो भी यहाँ पर चढ़ता है। लेकिन व्रत तोड़ने के लिए बस तिल का लड्डू और शकरकंदी दूध वगैरह ही लेते हैं। तो यहाँ कलाबाजियाँ हो रही हैं कि बोर हो गए हैं बच्चे और फोर कहानियाँ सुन चुके हैं, उन लोगों को मज़ा तो आया ही, बट काफ़ी लंबी पूजा होती है, इसमें टाइम लगता है। ऑलमोस्ट ये पूजा ख़त्म हो चुकी है और सबको प्रसाद अब दिया जाएगा। इसके बाद हम तैयारी करेंगे अपने दूसरे वाले फेस्टिवल के, मीन्स मकर संक्रांति की। तो आप लोग ज़रूर देखिए, ये वाला बहुत मज़ा आएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हैप्पी मकर संक्रांति। वहाँ मॉर्निंग हो चुकी है और हम लोग नहा धोकर मंदिर पहुँच चुके हैं। मंदिर में बस दान पुण्य करेंगे, जो हम सामान लेकर आए थे यहाँ पर सारे भगवान ने। थोड़ी सी क्लिपिंग ली हुई है, वीडियो आप लोग को कई बार दिखा चुकी हूँ, एक बार और दिखा रही हूँ। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर जाएंगे कैंटीन में, क्योंकि हम लोग नहाने धोने के बाद सीधे मंदिर चले आए थे। हमारे यहाँ से पानी नहीं पीते हैं, कुछ करने के बाद ही, पूजा वूजा करने के बाद ही पीते हैं। कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पी सकते हैं। तो यहाँ मंदिर में हमने कॉफ़ी ली, बच्चों को इडली सांभर खाना था वो लिया। और ये मकर संक्रांति का डे है, कैसे हम ये फेस्टिवल मनाते हैं आप देखिए हमारे साथ, इस व्लॉग को एंजॉय करिए। तो चलिए अब लंच के लिए हम क्या बनाने वाले हैं मकर संक्रांति पे स्पेशल, ये है दही बड़े की दाल, जो कि मैंने मूंग की दाल उड़द की दाल मिक्स करके रात में रख दी थी भिगोकर, उसके बाद मैंने धुलने के बाद पीस ली है। और उसमें डाल रही हूँ मैं चिली फ्लेक्स, साथ में थोड़ा सा नमक और भुना हुआ जीरा भी डालकर मिक्स कर दे रही हूँ। चलिए अब फटाफट हम दही बड़े बनाते हैं और फिर लंच की तैयारी करते हैं। मेरी सारी रेसिपीज़ का व्लॉग है मेरे प्लेलिस्ट में, जाकर वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। बड़े रेडी हो चुके हैं और यहाँ पर मैंने बनाई है उड़द दाल की खिचड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ मकर संक्रांति पे यही खिचड़ी बनती है। वैसे तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी खिचड़ी बना सकते हैं। और उसके साथ में है दही बड़े, टमाटर की चटनी, सैलड, और आप चाहे तो अचार और पापड़ भी ले सकते हैं। तो ये है हमारे इंडिया का लंच जो कि मकर संक्रांति पे बनता है, इस फेस्टिवल पे। आप लोग जरूर बताइएगा कि आप यहाँ कैसे मनाते हैं। तो आइए हमारे साथ एंजॉय करिए आप भी। यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी कि मॉडर्न होना और साथ में अपने रिचुअल्स को फॉलो करना गंवारता नहीं होती है। तो हमें तो गर्व होना चाहिए कि हम भारत के रहने वाले हैं और भारत की सारी संस्कृति सभ्यता को हम निभाते हैं। तो हम ये दिखा सके यहाँ रहकर भी कि हम अपनी चीज़ों को भूले नहीं हैं और ऐसे ही अपने रीति रिवाजों को मनाते रहेंगे और साथ में बच्चों को भी सिखाते रहेंगे। आप लोगों को हमारा ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही आऊँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।